हेलो दोस्तों, याराना आईटी गुरु में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम बनाना सीखेंगे RFID और ESP32 का यूज करते हुए। तो RFID का मतलब ये होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें हम लोग फायरबेस का यूज करने वाले हैं और अपना एक खुद का एक एंड्रॉइड ऐप बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम किसी भी टैग को यहाँ पे स्कैन करते हैं, तो स्कैन करने के बाद जो हमारा UID होता है वो वहाँ पे हमारा फायरबेस में जाके स्टोर हो जाएगा, और उस फायरबेस में जो भी हमारा ID स्टोर होगा उसको हम अपने एंड्रॉइड ऐप में शो कराएंगे और शो करा के उसका एक एंड्रॉइड ऐप बनाएंगे। तो इसको कंप्लीट बनाना सीखते हैं। चलिए, इसमें क्या कोड लगे है, क्या कुछ लगेगी, सारी चीजों के बारे में समझते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक याराना आईटी गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं और कोड को अपलोड कैसे क्या कुछ करना है सारी चीजें समझते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जो हम लोग इस प्रोजेक्ट में कोड को यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने इस कोड का यूज़ किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ का यूज़ किया है। हमने यहाँ पे वाईफाई लाइब्रेरी का यूज़ किया है, और यहाँ पे हमने फायरबेस जो हमारी लाइब्रेरी है उसका यूज़ किया है, और यहाँ पे हमने SPI लाइब्रेरी मतलब सीरियल कम्युनिकेशन कराने के लिए इस लाइब्रेरी का यूज़ किया है, और इस लाइब्रेरी को हमने RFID के लिए यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे डिफाइन मतलब कि जो हमारा पिन नंबर होते हैं यहाँ पे हमने नंबर्स को डिफाइन किया है, और आप लोगों को मैं सर्किट डायग्राम दे ही दूंगा, वहां से आप लोग समझ सकते हैं। एंड उसके बाद यहां पे हमने पिन जो हमारा बजर का जो पिन होता है मतलब कि हमने स्कैन कराने के बाद बजर को हाई किया है। एंड उसके बाद यहां पे हमने डिफाइन मतलब कि फायरबेस का जो होस्ट होता है एंड अथ होता है उसको डिफाइन किया है, मतलब कि यहां पे हमने उसकी डिटेल्स को यहां पे डाला है। और आप लोगों को मैं बताऊंगा अभी फायरबेस की क्रेडेंशियल आप लोगों को कहां से मिलेंगे और कैसे क्या कुछ सेटअप करना पड़ेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे हमने SSID और पासवर्ड जो भी आपका वाईफाई का पासवर्ड होता है और जो भी नेम होता है SSID होती है उसको यहाँ पे हमने यूज़ किया। एंड उसके बाद यहाँ पे हमने जो अटेंडेंस मतलब कि जो हमारा पाथ होता है मतलब कि ये फायरबेस में है, फायरबेस में हमारा एक टैग बन के ये अटेंडेंस नाम से एक टैग बन के उसमें सारी वैल्यूज़ स्टोर होगी। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो सेटअप है, एंड सेटअप में हमने काफ़ी सारी चीज़ें की मतलब कि जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन टाइमिंग होता है वो टाइमिंग हमने मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन टाइमिंग यहाँ पे किया है, और ये हमारा इंडियन मतलब कि जो हमारा इंडिया का टाइम होता है उसको यहाँ पे सेटअप किया, और आप लोग जिस भी कंट्री से हैं उस कंट्री का आप लोग यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे हमने पिन मोड्स को यहाँ पे सेटअप किया, मतलब हमारा पिन मोड्स है SS पिन और इसको आउटपुट दिया है, और RST पिन को आउटपुट दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने पिन बजर जो हमारा बजर पिन होता है मतलब कि जो हमने पिन नंबर 2 को बजर यहाँ पे आउटपुट दिया है उसको भी यहाँ पे आउटपुट सेटअप में किया है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो SPI और सीरियल कम्युनिकेशन होता है उसको यहाँ पे बिगिन मतलब स्टार्ट किया है। एंड उसके बाद यहाँ पे जो हमारा RFID का जो होता है उसको भी इनिट मतलब उसको भी स्टार्ट किया है। एंड यहाँ पे हमारा वाईफाई क्रेडेंशियल यहाँ पे SSID और पासवर्ड कनेक्ट मतलब कि वाईफाई पासवर्ड भी बिगिन मतलब स्टार्ट हुआ है वाईफाई और SSID और पासवर्ड। एंड उसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक सीरियल प्रिंट करा दिया है कनेक्टिंग टू वाईफाई। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि हमारा अगर हमारा वाईफाई वाइल मतलब एक कंडीशन लगाई है कि अगर हमारा हर 500 मतलब कि 500 एक मिनट से जो एक सेकंड से जो आधा होता है 500 मिली सेकंड, हर 500 मिली सेकंड पर हमने इसको चेक किया है कि हमारा जो वाईफाई कनेक्टेड है कि नहीं है। तो अगर हमारा वाईफाई कनेक्शन सक्सेसफुली हुआ तो हम यहाँ पे फायरबेस को कनेक्शन मतलब कि कनेक्टेड करेंगे। हमारा जो फायरबेस होता है जो SS मतलब कि फायरबेस का जो आथ होता है और होस्ट होता है उसके साथ ये कम्युनिकेट कर पा रहा है कि नहीं। एंड आफ्टर कम्युनिकेटिंग मतलब कि जब हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुली हो जाता है, यहाँ पे जैसे हम RFID टैग में मतलब कि टैग को यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे कोई भी कार्ड यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं शो हो रहा है मतलब कि कोई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने कार्ड को रीड करने के लिए इस फंक्शन का यूज़ किया। उसके बाद यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग बना दिया है UID के नाम से। उसके बाद यहाँ पे हमने फॉर लूप लगाया है मतलब कि हमारा हर टाइम ये चीज़ें चेक करेगा। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा सीरियल प्रिंट है उसको यहाँ पे हमने सीरियल में प्रिंट में चेक कर मतलब सीरियल मॉनिटर में इसको प्रिंट करवाया कि हमारा सही से UID टैग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे किया है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे हमने हमारे पास जो भी 2 ID टैग है मतलब कि 2 UID जो हमारा टैग होता है 2 ही है मेरे पास, तो हमने यहाँ पे कंडीशन एक लगाई है कि जो हमारा UID अगर हमारा जो RFID का टैग होता है ये आता है मतलब कि जो हमारा टैग है ये आता है UID, तो हम यहाँ पे इसको अंशुमान असाइन कर दिया है हमने। और अगर हमारा
सिर्फ मतलब कि इसमें से ये वाला टैग आता है, तो यहाँ पे हमने इसको अभिषेक असाइन कर दिया है। तो यहाँ पे इसको करंट डेट को हम यहाँ पे कंडीशन मतलब कि इस क्लास को रन कर रहे हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे हम इसको स्ट्रिंग में एज अ स्ट्रिंग डाटा इसको बना रहे हैं। एंड जैसे ही हमारा स्ट्रिंग डाटा बन जाता है तो इसको फायरबेस पुश मतलब कि फायरबेस में हम इसको पुश कर दे रहे हैं, तो ये हमारा। और उसके बाद यहाँ पे हम बजर को हाई कर दे रहे हैं, बजर हमारा जो है एक सेकंड के लिए हाई होता है, उसके बाद यहाँ पे लो कर दिया जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट है। उसके बाद यहाँ पे हाइल्ड, इसके बाद यहाँ पे स्टॉप इनक्रिप्टेड मतलब कि ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा करंट टाइम है मतलब कि सबसे पहले तो हम करंट टाइम को यहाँ पे लेने के लिए जो अभी हमने क्लास बनाई थी यहाँ पे दिखाया था ना हमने, तो ये क्लास हमने इसको बनाया है। तो अभी चलते हैं हम फायरबेस में क्या कुछ करना होगा हमको ये सारी अथेंटिकेशन मतलब कि होस्ट और अर्थ पाने के लिए, मतलब अथेंटिकेशन और होस्टिंग जो हमारा URL होता है उसको पाने के लिए। तो अगर आप लोगों को अपना फायरबेस जो हमारा होस्ट होता है और यहाँ पे अथेंटिकेशन की होती है उसको आप लोगों को लेना है, तो आप लोगों को पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस फायरबेस में बना चुका हूँ, और अगर आप लोगों ने उन सारी वीडियोस को नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे जाके विजिट करके देख सकते हैं। और उसमें मैंने कंप्लीट बनाया बताया है कि आप लोग कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और आप लोगों को जो हमारा URL है वो कहाँ से मिलेगा और अथेंटिकेशन की कहाँ से मिलेगी वो सारी चीज़ें हमने बताई है, तो आप लोग वहाँ से जाके ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी URL होता है वो सारे URLs वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं, और सेम चीज़ ऐसे ही डालना है जैसे मैंने डाला है यहाँ पे देख सकते हैं। एंड अभी चलते हैं हम यहाँ पे जो हमने ऐप को बनाया है वो ऐप दिखाता हूँ, हमारा ऐप कैसे काम करता है, मतलब कि ये हमारा डिज़ाइन पार्ट है। हमने अभी एक ही स्क्रीन हमने यूज़ किया कोडलर, मतलब कि इसमें एक ही स्क्रीन यूज़ किया है, एंड उसके बाद ब्लॉक सेक्शन में काफ़ी सारे चीज़ें किया है, एंड मैं आप लोगों को ब्लॉक सेक्शन में दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा स्क्रीन इनिशियलाइज होगा, तो ये सारी चीज़ें हमने किया। इसका कोड मैं जो ब्लॉक कोडिंग होती है मैं आप लोगों को अपनी वेबसाइट में दे दूँगा, आप लोग पोस्ट में जाके आप लोग उसको रीड कर सकते हैं और अपना खुद का एक ऐप बना सकते हैं। और अगर आप लोग ऐप बनाना सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं एक एंड्रॉयड ऐप बनाना भी सिखाने मतलब कि ऐप बनाने के लिए भी वीडियोज़ ला दूंगा। और अगर आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सारा प्रोजेक्ट आप और अभी चलते हैं हम इसमें कनेक्शन करना सीख लेते हैं, क्या कुछ सारी चीज़ें कनेक्शन होती है और इसका क्या कैसे यूज़ कर सकते हैं सारी चीज़ों के बारे में। और आप लोगों को एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अगर आप लोग मेरे पास तो अभी दो ही टैग हैं, और अगर आप लोग इन फ्यूचर अगर और भी टैग्स का यूज़ करना मतलब कि और भी UID का यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे एक कंडीशन और लगानी होगी, उसके बाद यहाँ पे इसे हमने लगाया, यहाँ पे कॉपी करना है, एंड कॉपी करने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे UID होता है, UID आप जो भी रहेगा उसको आप यहाँ पे इंटर कर देना, और नाम जो भी इंटर करना चाहते हो वो इंटर कर सकते हैं, एक और आपका टैग बन जाएगा। और आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये अभी तो मैंने फायरबेस पे सारी वीडियोस बनाया है, मतलब कि फायरबेस डाटाबेस का यूज़ करते हुए काफ़ी सारी वीडियोस हमने बना लिया है, लेकिन मैं अपकमिंग वीडियोस में एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं MySQL और PHP का यूज़ करके अपना एक कंप्लीट सर्वर बनाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको MySQL में भी बना चुका हूँ ऑलरेडी, और आप लोगों को अगर आप लोग चाहते हैं तो MySQL पे मैं एक वीडियो ला दूंगा और उसको भी बनाना सिखाऊंगा। मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ MySQL पे, आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए अभी इसका हम कनेक्शन करना सीख लेते हैं, क्या कुछ रहता है कनेक्शन में। ओके गाइज, यहाँ पे हमने ESP32 का यूज़ किया है, और यहाँ पे RFID का यूज़ किया है जो हमारा RC522 होता है, मतलब RFID उसके बाद RC522 इसका यूज़ किया है। और यहाँ पे अगर आप लोग कनेक्शन करना चाहते हैं, हमने ESP32 के साथ कनेक्शन किया है, और अगर आप लोग अपना कनेक्शन करना चाहते हैं तो आप लोग सर्किट डायग्राम देख पा रहे हैं, मतलब कि कौन सा पिन किस में जोड़ना है, मतलब कि वो सारा कुछ आप लोग देख पा रहे हैं, और आप उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जोड़ लेना है। एंड यहाँ पे पिन जो हमारा बजर होता है उसको पिन नंबर 2 में जोड़ा है, आप लोग ग्राउंड और जो पिन नंबर VCC होता है, जो बजर का VCC होता है उसको आप लोगों को पिन नंबर 2 में जोड़ देना, और ग्राउंड जो होता है ग्राउंड तो आप लोग जोड़ ही लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने करी है, और आप लोगों को कनेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग वेबसाइट पे सर्किट डायग्राम मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे जाके विजिट करके सर्किट डायग्राम देख के आप लोग जोड़ सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके सर्किट डायग्राम देख सकते हैं। ओके गाइज, यहाँ पे मैं जो ऐप बनाया हूँ आप लोगों को दिखा देता हूँ। बेसिकली इस ऐप में आप लोग क्या कुछ कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे जैसे मैं अगर यहाँ पे स्कैन करता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने स्कैन किया, एंड स्कैन करने के बाद आपको रियल टाइम यहाँ पे शो हो जाएगा कि हमने जो यहाँ पे जिसने भी स्कैन किया उसका नाम और हमारा जो रहेगा रियल टाइम डेट एंड टाइम सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएंगी। एंड उसके बाद जैसे यहाँ पे मैं फिर से एक स्कैन करता हूँ,
एंड स्कैन करने के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाटा हो गया और अब मैं चाहता हूँ कि इसको फिल्टर करना, मतलब कि अभिषेक ने कितने बार इसके स्कैन किया और अंशुमान ने कितने बार स्कैन किया। तो यहाँ पे मैं जैसे मैं अभिषेक का सर्च करना चाहता हूँ, ए बी ओके। तो यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा नाम लिखता हूँ, यहाँ पे आपको रियल टाइम सर्च फिल्टर, मतलब कि जो रियल टाइम फिल्टर भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे, ये मतलब कि हमने कितनी बार स्कैन किया और कौन कौन से टाइम पे, डेट एंड टाइम पे कौन कौन से पे स्कैन किया, ये भी चीज़ें आप लोगों को दिख जाएगी। और भी आप लोग अगर स्मार्ट सिस्टम बनवाना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसका भी मैं बना के आप लोगों को दे दूँगा। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमने एक एंड्रॉयड ऐप बनाया है, आप लोगों को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ये ऐप से आप लोग अपने ब्लूटूथ के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें, मतलब ब्लूटूथ से आप अपना होम अप्लाइंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और आप लोगों को इसका वीडियो भी चाहिए तो मतलब कि आप लोग कोई भी प्रॉब्लम होती है मतलब कि इसको कनेक्ट करने में और इसका डिवाइस जो होता है उसको नहीं बना पा रहे हैं, तो आप लोग इसका कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग देख के अपना कंप्लीट सेटअप कर सकते हैं। ये ऐप आप लोगों को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो हमारा RFID वाला ऐप है, आप लोगों को इसको भी कंप्लीट अपना एक अलग से सिस्टम बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को एक व्यूवर्स ने कमेंट किया था कि ऐसी भी एक वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया। और आप लोग भी अपना एक कमेंट कर सकते हैं, अगर आप लोगों को कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर लाऊंगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है, फिर कोई डाउट्स होते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक याराना IoT गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूं आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।